अविनाश सिंह 5681। मैडम ऑनलाइन लैब टेस्ट कैसे अपॉइंटमेंट लें? तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। और कीमोथेरेपी के 6 साइकिल्स ले चुकी हूं टाटा मेमोरियल से और 2 बार सिटी स्कैन हो चुका है और अभी फ़िलहाल अपने घर में हूँ। रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं किया था क्योंकि कीमोथेरेपी की वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ा सा ही घर का काम करने के बाद एकदम टायर्डनेस, थकान लगने लगती है। तो लगता है कि अभी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाना है यूट्यूब के लिए, सिर्फ अपना हेल्थ पर ध्यान देना है और सिर्फ रेस्ट करना है। तो वही सब हो रहा था लेकिन यूट्यूब पर आई तो एक कमेंट देखने को मिला ये अविनाश सिंह जी का। तो ये ऑनलाइन लैब टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और सेम एक व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया था, नंबर पता नहीं कहाँ से उनको मिला। तो उनका जो कमेंट था वो भी कुछ ऐसा था व्हाट्सएप पर कि मैडम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सीटी स्कैन, ऑनलाइन एमआरआई डेट कैसे लेते हैं, प्लीज़ कुछ वीडियो बना दीजिए। तो ये 2 कमेंट्स इस तरह के थे तो सोचा कि चलिए बना देते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला है अविनाश सिंह जी का, वो जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन लैब टेस्ट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो टाटा मेमोरियल का जो सिस्टम है वो पूरा ही ऑनलाइन है, पेमेंट भी जब हम जमा करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो भी ऑनलाइन ही कटता है, ऑनलाइन ही जमा करना होता है। और ये जो OPDs वगैरह होते हैं उनके अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हैं हम, टोकन ऑनलाइन लेते हैं हम, सीटी स्कैन की डेट ऑनलाइन लेते हैं, कीमोथेरेपी की डेट, हर चीज़ हम ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन लैब के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जो OPD की डेट मिली है आप सेम डे पर भी आप उस दिन अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए बिलिंग होना ज़रूरी है कि आपका ब्लड टेस्ट की बिलिंग हो चुकी है। और बाकी आप किसी भी दिन जाकर 134 नंबर पर या फिर होमी बाबा 101 नंबर पर जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर आपको सिर्फ टोकन लेना होता है, टोकन के लिए उसके लिए आपको मशीन पर यह कार्ड रखना है, आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, उस टोकन नंबर के आने पर आपको ये आपका जो टेस्ट वगैरह हो रहा है वो आपका हो जाता है। उसमें आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है लैब के लिए, ठीक है। और जो दूसरा मैसेज है जो व्हाट्सएप पर आया वो है मैडम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सीटी स्कैन, ऑनलाइन MRI डेट कैसे लेते हैं, प्लीज़ कुछ वीडियो बना दीजिए। तो टाटा हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और सीटी स्कैन के लिए मैंने वीडियो बनाया था पहले भी, लेकिन अभी फिर से अपडेट कर देते हैं जो पुराने वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं उनके लिए। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर हम देंगे, तो इस नंबर पर आपको अपना केस नंबर सेंड करना है और अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आपको कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपको मिल जाती है। और सेम इसी तरह से होता है कि सीटी स्कैन का जो बिलिंग की फ़ोटो है वो आपको खींच कर उस नंबर पर सेंड कर देनी है और केस नंबर, पेशेंट का नाम, सेम ये तीनों चीज़ें आप भेज देंगे सीटी स्कैन व्हाट्सएप पर, तो आपको सीटी स्कैन के लिए और MRI के लिए डेट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। और सेम इसी तरह से आप ऑनलाइन टोकन भी निकाल सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसके लिए आपको OPD के दिन पर 1 घंटे पहले से ही आपको ये प्रोसेस करनी है। तो 10:30 की अपॉइंटमेंट है तो 9:30 से स्टार्ट करना है, 12:30 की है तो 11:30 से स्टार्ट करना है। जिस तरह से लाइन में लगते हैं सेम उसी तरह से आपको व्हाट्सएप पर ये अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करना है। तो उसके लिए भी आपको सेम केस नंबर और पेशेंट का नाम सेंड कर देना। इस तरह से आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, सीटी स्कैन की डेट और कीमोथेरेपी की डेट भी ले सकते हैं के लिए। लेकिन कीमोथेरेपी की डेट लेने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, उसके लिए आपको फाइल के फर्स्ट पेज की फ़ोटो, कवर पेज की फ़ोटो क्लिक करना है और अंदर का जो फर्स्ट पेज है उसकी फ़ोटो और डॉक्टर ने जो कीमोथेरेपी का आपको लिख दिया है वो फ़ोटो और लास्ट का जो कीमो साइकिल्स वगैरह का जो पेज है इसकी फ़ोटो, ये 4 फोटोज़ को क्लिक करने के बाद आपको डे केयर में इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है और 24 से 48 घंटे के बाद आपको कीमोथेरेपी की डेट मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोग ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट और कीमोथेरेपी की डेट और सीटी स्कैन वगैरह की सारी डेट व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। और कीमोथेरेपी की डेट मिल जाने के बाद कीमोथेरेपी का जो टोकन नंबर है वो हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए लाइन में लगकर ही टोकन लेना होता है। और अगर जिनको पता है कि किस तरह से वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पर टोकन, वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं,
तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे दोबारा से। और अभी फ़िलहाल में तो मैंने जो 6 साइकिल लिए है उसमें टोकन जो लिया है हमने वो लाइन में लग कर ही लिया है, व्हाट्सएप पर कीमोथेरेपी का टोकन नहीं मिला है। तो इस तरह से ये अपॉइंटमेंट्स और टोकन और सिटी स्कैन की डेट व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। और आई होप कि हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक यू।